हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ विद IAS में। और आज की इस वीडियो में हम आप पर बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन की ख़राब जांच किट वापस भेजेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज़, अमेरिका में एक दिन में 3100 से ज़्यादा की मौत। इसके साथ ही सोना 80,000 तक जाने का अनुमान है। और नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पर बात करेंगे, मदरसों के विद्यार्थी भी अगली कक्षा में प्रोन्नत। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे इस साल के अंत तक कोई भर्ती नहीं करेगा। इसके साथ ही बड़ी राहत दी गई है, दुकानें आज से खुलेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को अभी इंतजार करना होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी अपडेट जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिना परीक्षा ही ज्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। चलिए जान लेते हैं यहां पर विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे, महामारी COVID-19 ने पूरी दुनिया में विकराल रूप धारण कर लिया है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप में गुरुवार को 24 घंटे में 3,146 से अधिक मरीजों की मौतें हुई हैं। इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं, सोना 80,000 तक जाने का अनुमान है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अनुमान जताया है कि 2021 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोने की कीमत $3,000 प्रति औंस तक जा सकती है। भारतीय रुपये में $3,000 को बदला जाए तो ये राशि 2,28,855 रुपये बैठती है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोने का भाव औंस के हिसाब से तय होता है। एक औंस में 28.34 ग्राम वजन होता है। ऐसे में एक ग्राम सोने की कीमत 8,075 रुपये होती है। इस दर से 10 ग्राम सोने की कीमत 80,793 रुपये हुई। इसके साथ ही अगली न्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन की खराब जांच किट वापस भेजेंगे, बोले स्वास्थ्य मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि चीन और अन्य देशों से आई खराब परीक्षण किट वापस भेजी जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि हमने अभी तक इन किट के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है। इसके साथ ही अगली न्यूज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मदरसों के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मदरसों के विद्यार्थी भी अगली कक्षा में प्रोन्नत। प्रदेश सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की कक्षा 1 से 5 यानी तैतानिया और कक्षा 6 से 8 तक यानी फोकानिया के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का आदेश दे दिया है। यानी कि जो स्टूडेंट्स मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को विदाउट एग्ज़ाम के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। इस बाबत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जान लेते हैं अगली बड़ी न्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, रेलवे इस साल के अंत तक कोई भर्ती नहीं करेगा। लॉकडाउन से हुए घाटे की भरपाई के लिए तैयार हो रहा है मास्टर प्लान। सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस के कारण हो रहे घाटे की भरपाई के लिए रेलवे तैयारी में जुट गया है। रेलवे खर्चों में कटौती करेगा। फिलहाल इस साल के अंत तक नई भर्ती नहीं की जाएगी। सभी 17 जोन में लगे 5,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाया जाएगा। बड़े शहरों में बुकिंग और आरक्षण काउंटर भी कम करने पर विचार चल रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। बड़ी राहत दी गई है, दुकानें आज से खुलेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोनों हॉट स्पॉट में किसी भी टाइप की कोई भी छूट नहीं दी गई है। लॉकडाउन के बीच शनिवार को कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय कॉलोनी के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी। मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार दुकानों पर केवल 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इसके साथ ही इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते होंगे, बिना परीक्षा ही ज्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर, यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर, बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम लिए ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। यदि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह
वैसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।